गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। सो दिस इज़ मी प्रियंका शेखावत एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं दुबई के लिए और मैं आ गई थी कल दिल्ली, तो अभी मैं दिल्ली में ही हूँ और चाचा के घर पे हूँ। हाँ आ गए तो अम्मा बाबा लोग भी यहीं पे ही हैं, ये देखो आ रही हैं। बस थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, इस वजह से कल आ गए थे, और थोड़ा टाइम स्पेंड भी कर लेंगे सबके साथ में। और ये घर बहुत सुंदर सा है क्योंकि बाबा जी भी आ रहे हैं। एक्चुअली मुझे फ़ोटो क्लिक करनी है अभी सबकी। तो गाइज़ मैं यहाँ से निकल रही हूँ और आपको मेरा एयरपोर्ट लुक देखना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए और या फिर आगे वाली वीडियोस में भी दिख जाएगा आपको। एयरपोर्ट पे एंड अभी कुछ एक काम है जो हमें कराने हैं, कोविड टेस्ट। आई डोंट नो यहाँ होगा, वैसे तो हम करा चुके हैं, तो अगर वो वाला लग जाएगा तो वो लगा देंगे। गाइस हमने अभी करेंसी एक्सचेंज नहीं कराई है तो उसके लिए भी अभी देखना है कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे पीछे काउंटर है करेंसी एक्सचेंज का, तो वहाँ पर वो करा लेंगे। और बैग हमने अपने दे दिए हैं वेब चेकिंग के लिए, मतलब सबमिट हो चुका है, डायरेक्ट सात जगह पर मिलेगा। और यस आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द ट्रिप। ये फ्रेंड्स तो अभी हमें भूख लग गई है यार काफ़ी ज़्यादा, तो अभी हम यहाँ पर बस बैठे हैं। मुझे लास्ट टाइम जब हम लोग ले गए थे शायद, तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा हट खाया था, पिज़्ज़ा यार यहाँ वाला टेस्ट मुझे, और मतलब बाकी जगह भी ट्राई किया पर यहाँ वाला टेस्ट नहीं मिलता। दो गवर्नमेंट में भी लो अगर आपको भी यहाँ का टेस्ट ज़्यादा पसंद है। और ये भी बैठे थक गए हो, थक गए यार, नींद नहीं पूरी हुई। डार्क सर्कल देख रहे हो आप लोग, मतलब कल भी पूरा रात नहीं सो पाए क्योंकि गाड़ी से आए थे हम लोग दिल्ली तक, और आज दिन में फिर मन नहीं किया, बातों में लगे, तो बस फूड कोर्ट पे बैठे हुए हैं। कुछ खा लेंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, गार्लिक ब्रेड एंड या कोल्ड ड्रिंक। तो वो करने के बाद में बस टाइम होने ही वाला है, फिर हम लोग जाएंगे फ्लाइट पे एंड लेट्स मीट इन द फ्लाइट। तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा थक गए हूँ यार, रात के बज रहे हैं एक या डेढ़ बज रहे हैं, और एक्चुअली हम दोनों ने ध्यान नहीं दिया, हैदराबाद में भी ले ओवर है 11 घंटे का, तो हमारी फ़्लाइट है कल 8 मार्च को और वो भी 10:30 बजे। वरना क्या था, पहले जो कराया था ना वो मुझे 11:30 या 12 बजे पहुंचा रही थी शारजहाँ, अभी 10:30 पे यहाँ से जाएगी तो वही 12:30-1 तक पहुंचेंगे हम लोग शारजहाँ। और आंखों में नींद इतनी ज़्यादा है, मतलब लिटरली कल भी नहीं सोए और आज रात भी पूरी ऐसे ही निकलने वाली है, तो बस कुछ समझ नहीं आ रहा, बस लग रहा है पहुँच जाए जल्दी या फिर कहीं अच्छे से सोने को मिल जाए। तो अभी तो बस यहीं पे बेंचेस खाली हुई थी तो लेट गए, और अभी चेकिंग भी यहाँ पे नहीं हो रहा है क्योंकि चेकिंग 5-7 घंटे पहले देते हैं, उन्होंने बोला है कि 5 बजे के बाद में मतलब अलाउ कर देंगे अंदर जाने के लिए, तो वेटिंग फॉर दैट। ट्रैवल करना इतना भी ईजी नहीं है यार, लिटरली हालत पूरी ख़राब हो रखी है। कल का पूरा दिन तो समझो मैं सो रही वाली हूँ वहाँ पर जाके, क्योंकि यहाँ पे इतनी लाइटिंग से अब कहाँ नींद आएगी, बिल्कुल लगी पड़ी है जस्ट। लेकिन हाँ साफ़ सफाई बहुत है, क्लीन बहुत ज़्यादा है, एज यू कैन सी कहीं पे भी बैठो उठो सब बैठे ही हैं ऑलरेडी दोनों तरफ मेरे पैसेंजर्स, तो इतना कोई इशू नहीं है। बस गाइस मिलती हूँ मैं आपको सुबह, अब डायरेक्ट फ्लाइट में मिलूँगी। हाई फ्रेंड्स, सो इट्स द मॉर्निंग ऑफ 8 मार्च एंड अब 9:30 बज चुके हैं और अभी हम लोग कुछ खा रहे हैं, एक्चुअली नीचे बैठे हुए थे तो अभी बस बोर्डिंग पासेस वगैरह हम लोग लिए हैं और कुछ खाएंगे जल्दी से और हमारी फ्लाइट इज़ रेडी, तो बस अब जाएंगे वहीं से दिखाएंगे आप लोग को। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपनी फ्लाइट में जो कि फाइनली हमें शारजहाँ एयरपोर्ट पर ड्रॉप करेगी, तो मैं आपको बहुत ही अच्छी लैंडिंग दिखाने वाली हूँ दुबई में, तो स्टे विद मी टिल द एंड। कुछ ज़रूरी बातें जो कि मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी आपको, तो स्टे कनेक्टेड प्लीज।
1:45 in Dubai and we have reached Sharjah. So we are waiting for our bags on the belt. We have changed our currencies here. It's not possible in Delhi and in Hyderabad. So we have got exchange of 30,000 Indian rupees and we have got 1310 dirhams instead of that. So these are the dirhams with me. तो फ्रेंड्स हम लोग पहुँच गए हैं मतलब एग्जिट पे, ये शारजा का एग्जिट पोल है एज यू कैन सी, एंड वेटिंग फॉर द बस. अगर हम टैक्सी से जाएंगे स्पेशली करके तो उसका फेयर होगा 4000 से 5000 के बीच में. सो वी हैव थॉट कि हम बस करते हैं क्योंकि बस हम मतलब हमें 70-75 दिरहम्स तक पहुँचा देगी जो कि अच्छा खासा डिफरेंस आ जाएगा. सो वेटिंग फॉर द बस. तो यहाँ पर बस नंबर 99 जाती है दुबई के लिए. तो अभी तो हम लोग खाने पीने के चक्कर में पड़ गए थे, पहली वाली बस तो छूट गई, तो वेटिंग फॉर द अदर वन. सो गाइस फाइनली हमें बस मिल गई है एंड इट इज़ ऑफ 8 दिरहम. तो 8 दिरहम इनका. तो ये मुझे स्टेशन पे पहुंचाएगी जहाँ से हमें दुबई जाने के लिए या तो बस मिलेगी या तो मेट्रो स्टेशन मिलेगी. तो मैं ये चीज़ें इसलिए आपको बता रही हूँ, हो सकता है बोरिंग लग रही हूँ, लेकिन किसी को अगर ट्रैवल करना हो तो बहुत हेल्प मिल जाती है क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल किया इसको लेके. एंड दूसरे देश में आना है नॉट एन ईजी टास्क. तो चलो फिर मिलते हैं हम अपने होटल में आपसे. सो गाइज अभी वो वाली बस जो हमने पहले करी थी तो उसने हमें शारजा बस स्टेशन पे उतारा था और वहाँ से हमने बस चेंज करी है. अब हम जा रहे हैं यूनियन मेट्रो स्टेशन के लिए और उसमें मतलब दो कार्ड बने थे 30-30 दिरहम का और 24 दिरहम तो ईच इस बस में कट गए हमारे. पता नहीं बाकी कहाँ यूज़ होंगे क्या नहीं. और मतलब मुझे लग रहा है इससे बेटर कि हम الشارقة محطة بترول أدنوك شارع الملك فيصل. भाई बोलता है. Next stop is Sharjah King Faisal Road Adnok Petrol Station. हमारा होटल अभी यहाँ से 30 किलोमीटर अप्रॉक्स है. पहले मेट्रो स्टेशन जाएंगे, वहाँ से हो पाए तो टैक्सी करेंगे वरना मेट्रो से ही जाएंगे. और इससे बेटर था कि मतलब एयरपोर्ट से हमें होटल के लिए मिल रही थी ना 140 दिरहम में मिल रही थी हमें टैक्सी. तो हमने वो किया नहीं, मुझे लगा कि मतलब ज़्यादा महंगी पड़ेगी 3-3.5 हज़ार तक, लेकिन घूम फिर के वो उतना ही पड़ा जा रहा है. तो आप लोग एक बार देख लेना. तो गाइस ये हमारा मेट्रो स्टेशन यूनियन बस स्टेशन पे मैंने स्टॉपेज लिया था, वहाँ से मिला ये. तो यूनियन मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से हम DMCC मेट्रो स्टेशन जाएंगे और उससे थोड़ी दूर पे हमारा होटल है. जी तो अब ये है हमारा पूरा होटल का रूम. और मैंने सोचा इससे पहले कि हम इसको तहस नहस कर दें या गंदा हो जाए क्योंकि सामान फैल ही जाता है, तो उससे बेटर है कि मैं पहले ही शेयर कर दूं आपको. और बाथरूम भी इसका काफ़ी अच्छा था और स्पेशियस भी था और डेली क्लीन भी किया जाता था तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था. और टॉयलेट्रीज़ वगैरह भी बहुत अच्छे से दे रखी थी, काफ़ी क्यूट क्यूट सी थी जो मैंने यहाँ इंडिया में नहीं देखा था. पूरी मतलब सुई धागे वाली किट और पता नहीं क्या क्या था. एंड इधर रही मैं और ये ड्रायर था, तो काफ़ी अच्छा था ओवरऑल. और मतलब जब कर्टेन हटाओ तो व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर आता था, पूरी बिल्डिंग्स एंड ऑल. और विंडो थोड़ी सी खुल भी जाती थी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था. होप यू एंजॉयड द वीडियो.